इधर आ जाओ। ठीक है। कासिम वहां गया और वो बार बार बोलता रहा, खुल जा दरवाजा, खुल जा बकरी, खुल जा तोता, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर उसी वक्त गुफा में अचानक से डाकू आ गए। पापा, बाबा, पापा, इधर देखिए। आयशा, बाबा, 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 बाबा। माँ, पापा ने कहानी नहीं सुनाई। बाद में सुना देंगे बेटा। हाँ। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बाबा अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। गुनाह करने के बाद रोने और गिड़गिड़ाने से खुदा माफ कर सकता है, लेकिन मैं खुदा नहीं हूं। इसकी लाश को जंगल में दफना दो। अरे सुबह हो गई क्या बेटा? बेटा हम कहां तक पहुंचे? त्रिवेंद्रपुरम। ओ अरे बाप रे बाप, अभी 2 घंटे और लगेंगे पहुंचने में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे ये अगला स्टॉप कौन सा आ रहा है? अरे देखो तो क्या है, बताओ तो। उतरो उतरो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उतरो उतरो, जल्दी उतरो। आप लोग बाहर रुकिए। क्या हुआ इन्हें? एक्सीडेंट हुआ है वहां मार्केट के पास, टक्कर मार के भाग गया कोई। नंबर नोट किया क्या? नहीं किया, देखा ही नहीं। बाइक थी क्या? कैसी है वो? ठीक तो है ना? अंदर है क्या? तुम टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा। रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हा? अच्छा निकलता हूँ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था बेटा, चलता हूँ। पेशेंट के साथ कौन? हा? आया है? श्रवण। मैं। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। स्कैन रिपोर्ट क्रिटिकल सिचुएशन बता रही है, उसके लिए 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। इनको यहाँ लाते समय बहुत सारा ब्लड बह चुका है, तो वैसे ब्लड की प्रॉब्लम को तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जल्द से जल्द इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी हमें। डॉक्टर सर्जरी में तो बहुत पैसे लगेंगे ना? इस बारे में आप PR से जाके बात कर लीजिए, वही बताएंगे आपको। ठीक है। एयर गार्ड, एयर गार्ड, उतर जाओ, चलो। हाँ, ये उतरना, चलो।
भाई यहीं उतरना है। मैं तो परेशान हो गया, मैंने करीमपुर जाने के लिए फ्लाइट की टिकट खरीदी लेकिन इन लोगों ने यहाँ छोड़ दिया, इसीलिए मैं पूछ रहा था, थोड़ी मदद करो ना। भाई सुनो ना, सऊदी से आ रहे हो क्या? हाँ हाँ वहीं से आ रहा हूँ। रियल है क्या? मैं अच्छी कीमत दूंगा। अरे चुप बैठो यार, एक तो पहले से इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है और इनको रियाल की पड़ी हुई है। अरे तुम्हारा उतरने का मन नहीं कर रहा है क्या? देखो मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या? मेरा 2 रुपया बाकी था ना, लाओ वो दो। अरे कंडक्टर भाई वो 2 रुपए मैं दे दूंगा, उसको जल्दी उतार दो यहाँ से। यार दिमाग खराब कर दिया साहब, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। चलो 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 एक एक करके आओ, एक एक आओ, चलिए चलिए चलिए। 1 2 3 लगता है पूरी भीड़ जमा करने वाला है, ये लोगों को ऐसे भर रहा जैसे भेड़ बकरी। शादी हो गई क्या तुम्हारी? क्या शादी हो गई है क्या तुम्हारी? नहीं क्यों? वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है मुझे। मुझसे बात करने की वजह बाहरी झांकता रहता है। देखो तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, कुल मिलाकर 20-25 हजार होंगे। इतने से काम नहीं होने वाला यार, डॉक्टर ने जो बोला वो तूने सुना ना, ऑपरेशन के लिए पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। मैं कुछ भी करके बस 60 हजार तक का इंतजाम कर सकता हूँ, बाकी के पैसे कहाँ से लाऊंगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम शांत रहो, सारा इंतजाम हो जाएगा। कैसे शांत रह सकता हूँ यार, पैसों की कीमत तो मुझे आज पता चल रही है यार। ओ उन बातों को भूल जाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। सुनो जोश भाई से चल के मिला जाए क्या? जोश वो कौन है? अभी हम कहाँ पहुँचे, गलत मत समझना। अरे कंडक्टर इस बस की स्पीड इतनी है क्या, बोलो तो। ये फ्लाइट नहीं है। अरे फ्लाइट होती तो इतनी तकलीफ थोड़ी होती रे। अरे ये आदमी अभी तक बैठा क्यों नहीं है? तुम पीछे जाओ, वहां सीट खाली है ना, जाके बैठ जाओ। यहाँ से पीछे जाओगे तो कम से कम हवा तो आएगी। क्या मुसीबत है। यहाँ 10 मिनट बस रुकेगी, जिसको चाय नाश्ता करना है कर लो। 10 मिनट? अरे अरे जरा साइड में खड़े हो जाओ ना, बेवजह लोगों को तकलीफ देते रहते हो। आओ ना कुछ खाते हैं। लो चाय पियो। अरे वो जोश भाई हमारे किसी काम का नहीं है, मुझे पता है। कितने रिश्तेदारों से मदद मांगी पर किसी ने तेरी मदद की क्या? हाँ ठीक है। छोटू 2 नंबर पे ऑर्डर मार। खाली गिलास इंतजार में रह गई बेचारी, खाली रह गई बेचारी खाली, इसकी किस्मत में खाली रहना है, तू रहेगी खाली, तू रहेगी खाली। एक आदमी है लेकिन मदद करेगा या नहीं पता नहीं। कौन है? दरअसल वो तुम्हें पसंद आएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन एक बार तुम ही मुझे उनके पास लेकर गए थे। इस टाइम पे हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, लेकिन वहाँ काम हो जाएगा। वो देखो साबू आया। कैसा है? अरे कैसे हो बरखुड़दार, आज इधर कैसे? अरे वो दोस्त को थोड़ा काम था। कोई खास काम? कुछ खास नहीं। अच्छा। वैसे बाबा नहीं है क्या? बाबा तो ठीक है, इसे बाबा से मिलाना है। अच्छा ठीक, जाके आता हूँ। हाँ हाँ। अरे साजी भाई चलो। नमस्ते भाई। क्या बात है साबू? बाबा से मिलने आए थे। क्यों यार, पैसा मिल जाएगा ना? टेंशन मत ले यार, बाबा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सलाम बाबा। वालेकुम। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। बैठो। और अचानक इधर कैसे? बस ऐसे ही आपसे मिलने आया था। क्या बात है बोलो। दरअसल थोड़े पैसों की जरूरत है बाबा। ये कौन है? मेरा दोस्त है श्रवण। श्रवण ठीक है बैठो। बैठो बाबा, बात यह है कि इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, अभी हॉस्पिटल में है, एक ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। हालत सीरियस है और हमारे पास अभी पैसे भी नहीं है। लेकिन
पैसा उधार देने का काम मैं नहीं करता साहब। उधार? अरे बाप रे, ऐसी बात नहीं है बाबा। अगर आपके पास हमारे लिए कोई काम हो तो हमें प्लीज बताइएगा। देखो साहब, पहले तुम जैसे काम करते थे ना, आजकल वैसा माहौल नहीं है। अभी सारे लड़के नए हैं, हमारी पुरानी टीम के सारी डिटेल्स पुलिस के पास है, सभी शक के घेरे में है। अब ऐसे में किसी काम के लिए जाने पर तुमसे ज्यादा रिस्क मेरे लिए है। ऐसी हालत में हम और कहां जाएंगे बाबा, हमारी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो। बाबा जाए। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक वक्त था जब तुमने मेरे लिए बहुत सी तकलीफें उठाई हैं। अब अगर आज मैं तुम्हारी मदद ना करूं, ये मुझे गंवारा नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। आखिर बात तुम्हारे दोस्त की है ना, इसे काम देता हूं मैं। अरे ये नहीं कर पाएगा बाबा, इसे इस धंधे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए ये नहीं। बाबा मैं करूंगा, मैं चला जाऊंगा, आप बस मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दीजिए। ये क्या बोल रहा है? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं चला जाऊंगा, तू बस माँ के पास रह के उनका ख्याल रखना। साजी, ये दो डील है, रात में ही निकलना होगा, मथुरा कुलम जाना है तुम्हें। ठीक है बाबा। गुड। हाँ बाबा। साजी, हाँ, ये लड़का साबू का दोस्त है। नाम क्या बताया इसका? श्रवण। हाँ श्रवण, इसे क्या करना है बता दो। अरे फोन दो अपना। अरे दे दे यार। इसका लॉक कैसे खोलना है? लॉक कैसे खोलना है? एस शेप। ऐसे? एस शेप। इसे यही रहने दो, इस फोन में व्हाट्सएप नंबर है, जरूरत हो तो इसी से फोन करना। ठीक है, समझ गया ना? मुथुला कुलम पहुंचोगे तो इस नंबर पे एक कॉल आएगा, ये कार्ड उस लॉज का है। समझ में आ गया ना? तो फिर रात में निकलने की तैयारी करो, माल को ठीक से पहुंचा देना। और एक खास बात, इस नोट के दो टुकड़े, इसका बाकी का हिस्सा उसके पास होगा जिससे तुम्हें पैसे लेने हैं। जब वो बाकी का हिस्सा दिखाएगा तो समझ जाना कि वो करेक्ट आदमी है। हाँ ठीक है, जाओ। चल चल। ये पैसे रख लो। थैंक यू बाबा। साबू बोलिए। मुझे तुझ पर भरोसा है, इसीलिए ये जिम्मेदारी मैं इस नए लड़के को सौंप रहा हूं। हाँ। अभी जो काम मैंने इसे दिया है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, समझ रहा है ना तू? हाँ मैं समझ गया बाबा। मैं इंतजार करूंगा। आयशा। जी बाबा। वो पीला वाला फोन लेके आओ। वैसे तुम इस फोन को भी रख लो। नहीं नहीं, इसको तू ही रख। हाँ? माँ के लिए अगर जरूरत पड़ी तो तू वहां रहेगा ना? मेरी तो वहां किसी से पहचान भी नहीं है, मैं क्या करूंगा ये? ठीक है बैठ। तुम चिंता मत करो, पहले काम तो होने दो, मुलाकातें तो होती रहेंगी, मैंने जैसे बोला है वैसे ही करो। सलाम बाबा। क्या बात है वर्दीधारी, अचानक से मेरे घर पर? थाने में काम नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है बाबा। फिर फोन पर बात नहीं कर सकते थे इसलिए एसपी साहब ने मुझे यहाँ पर भेजा, उन्होंने कहा कि आपको आगे आके बात करनी पड़ेगी। क्या बात है? मामला बहुत ही सीरियस हो गया है। अच्छा ठीक है, पहले बैठ तो जाओ। पिछले दो महीनों से डिपार्टमेंट को एक भी केस नहीं मिला है। बाकी यहाँ के काम धंधे के बारे में ऊपर के सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं,
इसके अलावा दो नए गवाह मिलने की वजह से कुछ लोगों को हमें उठाने का ऑर्डर भी मिला है। ऐसा कुछ ना हो इसीलिए मैंने साजी को उस जगह पर छोड़ा था। अब तुम लोगों को क्या चाहिए? फिलहाल पैसे की कोई बात नहीं है बाबा, फिर ऊपर से बहुत प्रेशर है। उन लोगों को न्यूज चाहिए तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन लोगों को न्यूज चाहिए। वैसे उन्हें खाली न्यूज ही नहीं चाहिए, वो पैसे भी लेंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। दरअसल डिपार्टमेंट की नजर हमने जो पैसे छुपाए हैं उन्हें जब्त करने की है। मैं समझ गया। याद है ना पिछली रेड में तुम्हारे डिपार्टमेंट ने क्या घोटाला किया था? कैश था पूरे 3 करोड़ और दिखाया कितना, सिर्फ 2 करोड़ 1 खा गए। दुनिया को धोखा देने के लिए ऐसी रेट डालते हो और सभी मिलकर माल बांट लेते हो। वर्दीधारी मुझे सब पता है। वो क्या है, मीडिया के साथ मिलकर तुम मुझे चोर बताओगे, जब्त करोगे कुछ और मीडिया में बताओगे कुछ और। यही प्लान है ना? ऐसी बात नहीं है बाबा, अगर हम सामने से जाकर बात करेंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी तो हल कर ही सकते हैं। और आप तो जानते हैं वो लोग जबरदस्ती करना शुरू करेंगे और एनकाउंटर के नाम पर वो किसी को भी टपका सकते हैं। तो होने दो जैसा हो रहा है। तुम पेट्रोल खर्च करके इतनी दूर से यहाँ आए हो, आज यहाँ चिकन बना है, आराम से खाओ और बेफिक्र होकर जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे दांव पेंच बहुत देखे हैं। तुम्हें मुथलाकुलम पहुंचने से पहले खबर मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। अरे बेगो ये ले पकड़ो, ये लो ले कैच कर। हेलो बाबा। सुन अलका, कल की डील में थोड़ा सा चेंज है। अरे ऐसा क्या हो गया बाबा? जिस वक्त डील होगी पुलिस वहाँ पहुँचेगी। ये बात मामा को बता देना। 10:30 का टाइम मैंने उन्हें दिया है, हो सकता है डील कैंसिल भी करनी पड़े। अरे बाबा ऐसा मत कहिए, मैंने पहले ही उन लोगों से 2-3 बार टाइम मांग लिया है। अगर इस बार डील नहीं हुई ना तो मेरा पूरा काम चौपट हो जाएगा। आपको तो पता ही है 2-3 महीने से एक भी डील नहीं हुई। अगर इस बार ये काम नहीं हुआ तो मुझे अपना पुराना वाला काम शुरू करना पड़ेगा। ठीक है फिर, जैसा कहता हूँ। ये डील 9:30 तक खत्म होनी चाहिए, समझ गई ना? हाँ ठीक है। एक तीर से 2 निशाने, वो बच भी जाए और डील भी हो, पर अलका खतरा बहुत है। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ समझ गई बाबा, 9:30 बजे डील खत्म हो जाएगी। मुझे जो भी करना है मैं यहाँ से कर लूंगा और ठीक 8 बजे मैं मुथलाकुलम पहुँच जाऊंगा। अब सब कुछ तुम पर है। ठीक है, ठीक है। अरे सुनो रे, मोटे सुनाई नहीं दिया। क्या हुआ? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या? अरे सुनो भाई, इधर आओ, जल्दी से एक सोडा लेकर आओ, दीदी के पेट में दर्द शुरू हो गया है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, बाबा ने कहा कल के डील में पुलिस भी रहेगी। अगर ऐसी बात है तो कल मुझे छुट्टी मिलेगी क्या दीदी? क्या तुझे भी मेरी तरह डर लग रहा है? दीदी आपको तो पता ही है ना, मैं सिर्फ खाने पीने की वजह से आपके गैंग में काम करता हूँ। पहले जैसी पुलिस नहीं रही दीदी, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे जेल में चपाती बनाना पड़ेगा, चिकन बनाना पड़ेगा, प्लीज दीदी। दीदी मत रो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। वैसे आपने क्या कहा था करने के लिए बताओ? उस आदमी को कल सुबह 8 बजे आने के लिए बोलना। ठीक है बोल दो। दीदी पता की बोतल नहीं पीना है? ठीक है मैं पी लेता हूँ। लगता है मुझसे ज्यादा तकलीफ इस कालिए को है। ये भी खा। रुको दीदी, यहाँ से देखो नजारा कितना साफ दिख रहा है ना दीदी। सुनिए आप कहाँ पहुँचे? अरे थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा मैं। आपने खाना खाया क्या?
अरे काय का खाना, जब तक अंदर का बाहर नहीं निकलेगा तब तक बाहर का अंदर कैसे जाएगा। अब तुम फोन रखो, बेकार बड़बड़ मत करो। मेरा प्यारा बेटा जब कोची से यहाँ आने के लिए बस में चढ़ा तो चढ़ते वक्त पेट भरने के लिए वो एक होटल में गया। अब वो रमेश था या सतीश, वो तो मुझे याद नहीं है। अब कुछ भी कहो, पूरे रास्ते ना तो वो खुद सोया और ना ही उसने मुझे सोने दिया। पता है जब मैं घर से निकला तो सिर्फ एक चाय पी के निकला था, अब तक बस उसी से काम चला रहा हूँ। लेकिन अब मेरे पेट में धड़ाधड़ चूहे दौड़ रहे हैं। अरे साइड में हो जा भाई, रास्ता रोक के खड़ा कर। अरे रुको, आगे कहाँ जा रहे हो, स्टॉप तो आने दो। अरे इस तरह आगे हाथ मत करो, जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो मेरा स्टॉप भी आएगा। हाथ लड़ाओ ये। अरे दरवाजा तो खोलो जल्दी से, जल्दी खोलो। अरे खोलता हूँ, गाड़ी तो रुकने दो। जब से चढ़ा है दिमाग की दही कर दिया इसने। ये एड्रेस तो पास में ही है, आओ बैठ जाओ। हे भगवान, आज गाड़ी बंद ना हो तो मेरी रक्षा करना। जय हो प्रभु, मेरी विनती सुन ली आपने, आप धन्य हो प्रभु। अब चलता हूं धंधे पे। बेटा यही जगह जो तुम बता रहे थे, कितना हुआ? 40 रुपया। बेटा 3 रुपया छुट्टा नहीं। ठीक। भाई साहब कोई है क्या? भाई साहब कुलम से आया हूं। दो सेकंड फ्लोर। ओके थैंक यू। हाँ थैंक यू। बेटा जो तुम्हें लेकर आया था वो चला गया ना, तो तुम क्यों बैठे हो? जाओ 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 जाओ। जैसा तुमने बोला था वो आदमी आ गया है, जेल में 7 दिन। हाँ ठीक है।
अंदर जा रहा हूँ, कुछ माल वाल रखा है या खत्म कर दिया है? अरे रखा रखा, जाके ले ले यार, ले ले। ये खजूर अभी भी ऐसे ही पड़े हैं क्या? रे माल में दम है कि नहीं? अरे ये भी पहले जैसा ही है, कुछ खास नहीं है। लगता है तुम दोनों ने कुछ ज्यादा ही नशा किया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है रे। वैसे अली के गुंडे इधर आए हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। कहाँ से आए? कोची से। कौन है वो? मुझे लगता है वो बाबा का आदमी है। कब आया वो? वो नहीं पता, लेकिन अभी भी वो आदमी स्वामी लॉज में है, रूम नंबर 202। अपना फोन दो। हाँ हाँ, एक मिनट। ये लीजिए। इसमें अम्मा नाम से एक नंबर सेव किया है, फोन करके बात करो, बाकी वो बता देंगे। ठीक है। व्हाट्सएप में कॉल करना। हाँ कहाँ हो तुम? मैडम मैं अभी लॉज में हूँ। अभी के अभी वहाँ से निकलो। निकलने के बाद व्हाट्सएप पे कॉल करना, बाकी काम की बात बाद में बताती हूँ। हाँ। बाबू चलोगे क्या? हाँ बैठ जा बैठ जा। हे प्रभु, मुझे नहीं लगता मंजिल तक पहुंचाएगा। बाबू मैं पैदल ही चला जाता हूँ। सुबह सुबह भोनी खराब करने आए क्या? नालायक कहीं के, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। तुम्हें मेरा ही ऑटो मिल जाता है क्या? नौटंकी बाज। तुमको भी अभी फोन करना था। हेलो सुनिए, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, आज लेकर आना। और हाँ, लाइट बिल भरना मत भूलना, आज नहीं भरोगे तो कल अंधेरे में रहना पड़ेगा। ऑटो स्टेशन के पास सेंटर है, भर दूंगा वहीं। तुम ऑटो पकड़ो और मुथलाकुलम बस स्टॉप पे पहुँच जाओ, हम लोग वहाँ आके फोन करेंगे। फोन मत भूलना, 2C। ठीक है। मैडम वहाँ पहचानने के लिए कुछ? थोड़ा जोर से धक्का लगाओ। भैया चलेंगे क्या? मैं सोऊंगा। जाना है ना मदुराई कुलम। मदुराई कुलम, मैं तो वहीं की सवारी का इंतजार कर रहा था। मीटर? मीटर से कौन चलता है? पैसे ज्यादा नहीं लूंगा, चिंता मत करो। है यहाँ सभी ऐसे चलते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। लगता है तुम इस शहर में पहली बार आए हो। बैठो बैठो बैठो, बैठ गए? हाँ बैठ रहा हूँ ना। बेटा तुम्हें जहाँ जाना है ना, वहाँ मुझे थोड़ा 10 मिनट का काम है। वो फोन और लाइट का बिल वहाँ पे भरा जाता है। तुम्हें भी वहीं कहीं आसपास जाना है क्या बेटा? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वहाँ एक आदमी से मिलना है, आप बस स्टॉप पे रुक दीजिएगा प्लीज। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी सेंटर के पास रहूँगा, इसी बहाने मेरा भी काम हो जाएगा बेटा। तुम यहाँ पहली बार ही आए हो ना? हाँ क्यों? हाँ वो तो शक्ल पे ही लिखी है। हाँ
कोई भी चैनल लगाओ बस यही गाना बजाते रहते हैं सारे। चुप ही रहो तुम। बेटा तुम यहीं पे उतर जाओ, मुतला गुलम का खास मार्केट है ये। हाँ थैंक यू। कितना हुआ? 40 रुपया दे दो। मेरे पास चेंज नहीं है, अभी अभी तो बोली किए तुमसे। मेरे पास भी चेंज नहीं है, कोई बात नहीं आप रख लीजिए, फिर कभी मिलेंगे तो लौटा देना। ओ ठीक है, फिर तो मिलना ही पड़ेगा, चलता हूँ। बस पहुंचने वाले हैं ना, जो बताए किसके ऊपर हाथ रखा है, जल्दी बैठे तो बंद हो जाएगी। जल्दी बैठो, उतरो ना, मैं अंदर बैठ जाऊँ। तो गाड़ी तुम चलाओगे? इस खटारा को ना मेरा कुत्ता चला लेगा, टेंशन ना ले, मैं पीछे डिक्की में बैठ जाता हूँ। चलो बैठे जल्दी, जगह नहीं है, कहाँ रहे? रुक जा रुक जा, अरे कैसा आदमी है तू? हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इतना पका रहा है। राम राम हरे हरे राम राम। अरे भाई जरा गाना बंद कर दो ना, ये लीजिए कर दिया। तुझसे मिलने को आ गया। अरे क्या किया तूने? अभी तक बस नहीं आई। चलो 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 चलो, स्टॉप आ गया, कौन कौन उतरने वाला, जल्दी उतरो। हाँ बेटा चलो चलो चलो। हाँ आराम से, हम लोगों को टाइम पे पहुंचना होगा। यहाँ दर्द हो रहा है या यहाँ? इधर इधर इधर। अच्छा ये बता, तुझे लगता है कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे? अरे 2 दिन से इतनी धूप हो रही है कि पूरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे ये धूप बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, काम नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। अरे इन लोगों की हालत तो देखो, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। बड़ा यार, सब के सब कामचोर है, उस पे ध्यान तो करो। सुनो जब्बार, उसको वहाँ पहुँचे बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। अगर आप कहे तो इन दोनों को भेजकर पता लगवा लेता हूँ। जब्बार सब इसकी वजह से ही हुआ, हमारे वजह से कैसे हुआ? हम क्या कर सकते हैं इसमें? तेरी गाड़ी खराब हुई ना तो धक्का तेज मारना था, अब तक पहुंच जाते। धक्का मारने के लिए मजबूर किया समझा? मैंने क्या मजबूर किया है? हमारा मुतला कुलम जाके भी कोई फायदा नहीं होगा, ना ही उसका फोन लग रहा है और ना ही हम लोग उसे पहचानते हैं, और ऊपर से वहाँ पुलिस भी आएगी। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि हम में से कोई चला जाए। तुम उसे पहचानते हो? नहीं, आप तो जानती हो ना। अरे कहाँ फंस गया मैं इन लोग के चक्कर में। बहुत होशियार है, हमें पुलिस के झंझट में फंसा कर खुद बचना चाहती है। ट्राई करती हूँ। मिला क्या? नहीं। हेलो मोटो, रमेश चल। हाँ चलो। क्या कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त यहाँ है, हम उससे मिलने आए, रूम नंबर 202 में। तो सुबह ही चला गया। चला गया लेकिन कब? यही कोई आधा आधा घंटा पहले। कहाँ गया होगा वो, सबका हिसाब थोड़ी रखता। हाँ क्या हुआ? हाँ भाई, आदमी यहाँ नहीं है, कहाँ गया तुम्हें पता है क्या? हाँ मुझे क्या पता। उसका थोबड़ा याद है क्या? उसकी उम्र करीब 25 साल होगी और हल्की हल्की दाढ़ी भी है उसकी, स्लेटी रंग की शर्ट पहनी है उसने और पीठ पर लाल बैग भी है। साबू के साथ जो कुरियर ऑफिस में काम करता था, उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए था बेटा। मैं इस परिवार को कैसे संभाल रही हूँ तुम अच्छे से जानते हो। माँ मैं एक इंजीनियर हूँ। माँ रोज सबके घरों में काम करने से मेरे हाथ पैरों में दर्द होने लगा है बेटा,
अब मुझसे नहीं होता। और घर में जवान बेटी है, उसकी शादी भी तो करनी है। माँ कम से कम खाना खाते समय तो चुप रहो प्लीज, घर में शांति का माहौल ही नहीं रहा है। कुली का काम करने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई की है क्या? कुरियर ऑफिस में काम करने के लिए मैं शादी कर लूँ? जब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तभी मैं शादी करूंगा। हद हो गई है, खाने की। बेटा, बेटा सुन। चलो उतरो आराम से। दीदी ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गया हूँ, बस में भी बहुत ज्यादा भीड़ होगी, मैं कैसे जाऊंगा? आज नहीं जाता हूँ ना। अरे कितने बहाने बनाता है बेवकूफ, आज एग्जाम में ठीक से नहीं लिखा ना, फिर बताती हूँ तुझे। हर रोज कुछ ना कुछ नया नाटक। अगर आज मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो मैनेजर मेरी जान ले लेगा। तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा है ना? अरे बाप रे, 9:15 बज गए, बस अभी तक आई क्यों नहीं? रास्ते में ही हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगी। मैं अभी आती हूँ। Excuse me, मेरी हेल्प करेंगे प्लीज? क्या? दरअसल मेरा फोन मुझसे कहीं खो गया है और मुझे इस नंबर पर अर्जेंटली कॉल करना है। आपके फोन से कर लूँ? ओह, मैं समझ गई। लड़कियों का नंबर लेने का ये नया तरीका शुरू किया है ना? ऐसा नहीं है, मेरा फोन खो गया। क्या बात है, मेरा नंबर चाहिए तुम्हें? तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से यहाँ लड़कियाँ चैन से रोड पर घूम नहीं सकती। नहीं मैडम, मेरा नंबर तुम्हें क्यों चाहिए? रात में फोन करके तंग करना है या मैसेज भेजना है? मैडम आप गलत समझ रही हैं। बताओ ना मैडम। अरे क्या हुआ? नहीं, रुक, भाग सकता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं मैडम, एक डरपोक लड़का था। कोई बात नहीं, आप जाइए। किसका फोन आ गया? बाबा। हेलो बाबा, हम लोग 8:30 से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। वो लॉस से निकल चुका है। लगता है कहानी में थोड़ा चेंज है। तुम फोन कट करो, मैं फिर से करता हूँ। हेलो बाबा, ऑपरेशन की खबर किसी को दी है? नहीं तो बाबा, अभी हम स्पॉट पर जा रहे हैं, जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले वो सब ओके थैंक यू। हेलो बाबा, ऑटो यहाँ से 8:30 बजे से पहले निकल गया था। जब मैं बाथरूम से निकला तो रूम का दरवाजा खुला हुआ था। 3-4 लोगों से ढूंढते हुए। पक्की बात है, वो लोग हमारे आदमी तो बिल्कुल ही नहीं थे। कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो वो लोग यहाँ से चले गए। ठीक है, बाकी की खबर मुझे देते रहना। ठीक है बाबा, ठीक है। बाबा। अरे माल को भूल गए भाभी, वो हरामखोर हमारे साथ गेम खेल रहा है। अगर ऐसा है तो उसकी लाश की शिनाख्त भी ना हो। गाड़ी निकाल। अच्छा बेटा एक बात बताओ, उस गाड़ी का नंबर पता है तुम्हें? नहीं पता है। उस गाड़ी का नाम निशान ऐसा कुछ याद है तुम्हें? नहीं। उस नंबर पर दोबारा फोन करके देखा क्या? क्या है कि फोन तो कर रहा हूँ लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। बेटा एक काम करो, ऑटो स्टैंड पर जाकर पूछताछ करो, वहाँ से तुम्हें कुछ पता चलेगा। समझ गए? ठीक। तुम चिंता मत करो, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, कुछ मिलेगा तो लौटा देंगे। बस बस यही बोलो जी।
यही है। बस बस ओके रोकता हूं। सुनो वर्दी, उसने हमें धोखा दिया है, जबान से मुकर गया है। इसी बारे में बात करने मैं अभी एसपी साहब से मिलने जा रहा हूँ। वो धोखेबाज मुझे जिंदा चाहिए, समझ गए ना मेरी बात? हाँ बाबा ठीक है। सर वो यहाँ पर भी नहीं है। क्या हुआ? सर वो यहाँ से सुबह ही निकल गया और रूम के अंदर भी कुछ नहीं मिला। डील कैंसिल हो गई है। बाबा कह रहे हैं कि वो उनको जिंदा चाहिए। उसकी फोटो अभी हमारे ग्रुप में आ जाएगी। वो कहीं भी मिलेगा तो उसे उठा रहे और स्टेशन में नहीं गोडाउन में लेकर जाएंगे। मैं श्रवण बोल रहा हूँ यार। माँ कैसी है? वो ठीक तो है ना? अरे श्रवण, माँ माँ ठीक है, उनकी चिंता मत कर। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। तू ठीक तो है ना? अरे मैं यहाँ भटक गया हूँ यार, और वो फोन भी मुझसे गुम हो गया है। अब ये माल किसे देना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लौट के लॉज आए तो देखा पुलिस है वहाँ। अरे बाप रे, तू तो ठीक है ना? हाँ। दरअसल बाबा ने हमको धोखा दिया है, तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही उनका मकसद था। अच्छा ये बता क्या करूं मैं? अब देख, किसी भी तरह से पुलिस के हाथ मत लगना। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें इस डील को पूरा करना होगा, तभी हम बच सकते हैं, नहीं तो बाबा हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे मेरी हालत खराब हो रही है यार। हेलो हेलो, सुन रहे तुम? दिन भर गुल्ली डंडा पढ़ना नहीं है क्या? सविता, सविता कहाँ आ रही हूँ बाबा। इसे बढ़िया से पकाओ, आज छुट्टी लेके मजे करेंगे दिन भर। इसी तरह छुट्टी लेके आपने पहले ही 5 बच्चे पैदा किए हैं। ये फोन बहुत परेशान कर रहा है। अरे ये तो नया फोन है। इतने दिनों से आप नया फोन खरीदने की बात कर रहे थे, पर मुझे नहीं लगा था कि आप खरीदेंगे। मेरा नहीं है, टूट जाएगा। गाड़ी में किसी का छूट गया था। सच बताइए, कहीं आपने चोरी तो नहीं की है ना? मैं छोड़ सकता हूँ तुम्हें। फिर कहाँ मिला फोन? बोला ना, कोई गाड़ी में छोड़ कर चला गया। उसी के फोन आ रहे हैं इस पे। कितना अच्छा फोन है। अरे जब ये फोन बज रहा था तो आपने क्यों नहीं उठाया? इसको कैसे उठाया जाता है मुझे पता ही नहीं है। अरे अपना विजय जानता है, उसे बुला लीजिए। विजय, विजय क्या हुआ पापा? क्या बात है? इधर इधर इसे नया खरीदा क्या? अरे मैं क्यों खरीदूंगा, ऐसा ही फोन मेरे एक दोस्त के पास भी है। लॉक का नंबर क्या है? अरे नंबर मुझे कैसे पता होगा? सच बताइए पापा, आपने ये चोरी की है ना? खींच के दूंगा अगर चोरी वोरी का नाम लेगा तो। मुझे दे। अरे किसी बेचारे का फोन ऑटो में छूट गया है, अगर उसने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी तो पुलिस हमारे घर आके कहेगी कि आप चोर हैं, आपने चोरी की है। चुप रहो, पुलिस आएगी। जाके खाना बनाओ। इस आदमी का कुछ नहीं होगा। अरे आउट आउट क्यों चिल्ला रहा है? बॉल तो उधर गिरी है ना। नहीं मैंने तुझे आउट किया है। मुझे तू आउट कभी नहीं कर सकता है, खुद चीटिंग करता है और मुझे बोल रहा है। दिन भर दरवाजे के सामने भौ 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 करते रहते हैं, सचिन तेंदुलकर बनेंगे।
पता नहीं कौन है। आज सुबह यही लड़का बस स्टॉप पे मेरा नंबर मांग रहा था, अभी देखो मुझे देखकर भाग रहा है। अरे तुम्हें देख के कौन नहीं भागेगा, सबको डरा के रखती हो। चुप कर। हाँ हाँ ठीक है। बाबा से दुश्मनी मोल लेकर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ओके बाबा, समझ गई। बेटा पिंकू, वो लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों को उधर जाते हुए देखा था। वो लोग चाय पीने गए होंगे। ओहो जल्दी जाओ, उन्हें बुला कर लाओ तुम। ठीक है। दीदी आपसे एक बात कहूँ, वो लोग टीम में रखने लायक नहीं है, हमेशा खाते रहते हैं। मुझे गद्दारी करेगा? नहीं भाई, मुझे छोड़ दो। मेरे साथ खेल खेलेगा। मुझे लग रहा है बाबा का फोन है। हाँ बाबा, कोलम में डील करने के लिए मैंने एक लड़के को भेजा था, जिसकी फोटो मैंने तुम्हें भेजी है, मुझे वो जिंदा चाहिए। ठीक है बाबा। ए, सुनो, सुनाई नहीं दिया क्या? मेरा साथ दोगे ना? 30 रुपए की जायदाद है तुम्हारे दोस्त के पास, अगर तुम और खाना चाहते हो तो 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। वो क्यों? अगर हम यहाँ के बर्तन साफ कर देंगे तो 50 रुपए मिलेगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है यार। भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है। अरे दीदी ने बुलाया है, जल्दी आओ। अरे यार ये फालतू में आके टांग अड़ा रहा है, दीदी बुला रही है। ये देखो आके अंदर बैठो, यहाँ मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम्हें अपने पेट भरने की पड़ी है। आपने बुलाया क्या दीदी? चुप कर मोटे। लोगों ने तो कुछ खाया नहीं, खाने के पहले आपने बुला लिया। अरे जब्बास, इस पुलिस का हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। मैं तंग आ गई हूँ, हमें उस लड़के को जिंदा ही पकड़ना होगा। हाँ वैसे जिंदा इंसान को पकड़े हुए बहुत दिन हो गए। तुम ऐसा काम कर पाओगे मुझे डाउट हो रहा है। बिरयानी के साथ पीस मुफ्त में मिलता है। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? अरे तुम, मैं पूछ रहा हूँ खाने के नाम पर कैसे उछल पड़े। अरे गाड़ी निकालो, हटो अंदर। गाड़ी दरवाजे पर स्टार्ट हो गई, चलना मुझे बैठने दे। और जैसे आप लोग के पीछे फंस गई हूँ मैं। ज्यादा चिपको मत, आराम से बैठो। अरे संभाल के गियर बदल दो ना यार। अंडों का ऑमलेट बन जाएगा, तुझे अच्छा लगेगा। क्यों चिल्ला रहा है? चुप कर चिकड़ू, तुझे पीछे बैठना चाहिए था ना। गाड़ी तो अच्छी चला रहा है, इसे तकलीफ क्यों हो रही है? थोड़ा आराम से गियर बदलना भाई। हेलो मोटो। अरे इसे ठीक होने में 2 दिन लगेंगे, तुम बाद में आओ। क्या हुआ अंकल, क्या लेना है? जरा ये फोन को देखो ना तुम। अरे इसे कहाँ से खरीदा आप? किसी का गाड़ी में छोड़ गया था। ओहो फिर से अपना पुराना काम शुरू कर दिया क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, गाड़ी में हजारों लोग चढ़ते उतरते हैं, हमें कैसे पहचानूंगा किसको देना है? तुम बेवजह में शक कर रहे हो। अरे इस तरह के फोन कैसे ठीक करना है मुझे अच्छी तरह पता है, तुम टेंशन मत लो। माँ कसम कह रहा हूँ किसी का छूट गया था, वहीं पे मुझे मिला ये फोन। पैटर्न लॉक को खोलकर सब कुछ ठीक करने के लिए 500 रुपए लगेगा। 500 रुपए? और इसको बेचता हूँ तो? अरे छोड़ो ना यार, पता नहीं किस बेचारे का फोन होगा और तुम बेचने की बात कर रहे हो। ये लो, किसी का फोन आ रहा है। रहने दो, तुम बहुत शराफत दिखा रहे हो। कब से मैं ऐसे ही फोन के लिए तरस रहा था, किसी को नहीं दूंगा। Hey!
Yeah.
थॉमस डिपार्टमेंट में किसी को पता नहीं चला सर, ऐसा खास तौर पे एसपी साहब ने कहा। किसी को पता नहीं चलेगा सर, लेकिन एक परेशानी है सर, अभी तक उसने एक भी कॉल अटेंड नहीं किया सर, और उसके फोन का एग्जैक्ट लोकेशन भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन टावर लोकेशन सिटी के बाहर बिल्कुल नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं सर, उम्मीद है मिल जाएगी। ओके ठीक है थॉमस, जो भी खबर हो मुझे देते रहना। ओके सर। ओके ठीक है, थैंक यू सर। थॉमस कह रहा है कि वो शहर के बाहरी इलाके में यहीं कहीं भटक रहा है, अगर हमें उसे पकड़ना है तो हमारी टीम को स्प्लिट होना पड़ेगा। ठीक है सर। जेम्स तुम लोग अलग अलग रास्ते से जाओ, टावर की लोकेशन पता करके मैं तुमको अपडेट दूंगा, और उसका चेहरा ध्यान में रखना। ओके सर। चलो चलते हैं सर। बाहर गया ही नहीं, अभी भी वो यही कहीं है, बाबा ने बताया। अरे इसे देखो जरा, फिल्म के हीरो की तरह दिख रहा है। ये फिल्म वाले यहाँ क्यों घूम रहे हैं यार? ओहो, मेरी बात सुनो, एक काम करो, मुथलाकुलम जाके तुम पूछताछ करके आओ, सब लोग साथ जाएंगे तो पुलिस की नजरों में आ जाएंगे। दीदी मैं जरा घूम के आता हूँ। सुनो भाई, गाड़ी को जरा ठीक करवा के रखा करो यार। दीदी मैं भी जाऊँगा। अरे उसे अकेले जाने दे, बड़ा आज ठीक हो जाएगी क्या? अरे अरे भाई कितना टाइम लगेगा? अरे पुराना टाइम लगेगा, टाइम तो जाएगा ना। इसको पुरानी लग रही है, मेरे दहेज की गाड़ी है ये। तो ख्याल रखा करो ना, कुछ खराबी आ गई है। खराबी गाड़ी में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है। अठारह गाड़ी लेकर रोड पे घूमता रहता है। दीदी हम कोई अच्छी गाड़ी बुक कर लेते हैं। भूख भी बड़े जोर से लगी है। आ जाओ बैठो। नहीं भैया, वो सुबह मेरा मोबाइल एक ऑटो में गिर गया है। क्या इसी ऑटो स्टैंड से ऑटो लेके गए थे? यहाँ की है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बीच रास्ते में मैंने ऑटो लिया था। गाड़ी का नंबर या नाम याद है आपको? ऑटो का नंबर तो नहीं याद है, लेकिन ऑटो वाले का चेहरा गोल था, सांवले कलर का, क्लीन शेव था वो। क्लीन शेव। अरे सुरेश इधर आ, बात तो सुन। क्या बात है भाई? अरे ये कह रहे हैं कि इनका मोबाइल किसी ऑटो में छूट गया है। गोल चेहरा और क्लीन सेव वाला कोई ड्राइवर हमारे ऑटो स्टैंड में है क्या? गोल चेहरा क्लीन सेव, उसने ऐसा क्या किया है? ऐसे कौन पहचान पाएगा? जरा एक मिनट चुप रहोगे, मैं पूछ रहा हूँ ना। उम्र कितनी होगी उसकी? वो 50 साल के लगभग। 50। गाड़ी की कोई पहचान? जहाँ तक मुझे याद है उस ऑटो के अंदर एक संतोष हीरो की फोटो लगी हुई थी। मुझे तो लगता है वो पंडित होगा। अरे वो अपना पंडित है ना, बहुत खड़ूस आदमी जानते हो ना। अरे हमारा पंडित फैंसी ट्रांसपोर्ट का प्रेसिडेंट भी है, उसी की होगी। अरे वो पंडित प्रेसिडेंट भी है क्या? हाँ सेक्रेटरी भी है। क्या बोल रहे हो? सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ऑटो ड्राइवर, सब कुछ है वो। अरे वो स्टैंड में कभी नहीं आता, वो खुद को ही सुपरस्टार समझता है और दिन भर घूमता रहता है। सुरेश तुम्हें उसका घर पता है? मैं तो नहीं जानता, वो दुकान वाला है ना, वो उसका दोस्त है, उससे जाकर पूछोगे तो बता देगा कहाँ रहता है। अरे वो तो आके चला गया, अब वो कब आएगा क्या पता। उसका घर कहाँ है आपको पता है? यहाँ से चल के मार्केट के अंदर सीधा एंटर करेंगे ना तो दो तीन घर के बाद उसका घर पड़ता है। तीसरा घर है उसका। भैया हाँ, मुझे भी एक जूस चाहिए। हाँ, नमक वाला कि मीठा? मीठा वाला। लो। हाँ। क्या बात है, ये सोडा ठंडा की जगह गर्म हो गया है क्या, जो भूख मार के पी रहे हो? हैं कितना हुआ भैया? 10 रुपया। अरे 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 चोर चोर चोर, पकड़ो इसे। अरे ये हटाना।
दिखता नहीं है क्या? जाओ जाओ जाओ। इसका पति इसके घर में घुस गया है। ये बात है। कब से चल रहा है? चक्कर तो काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन खुलासा आज हुआ है। कब से चल रहा है? अरे आड़ी छोड़ूंगी नहीं। एक मिनट, एक मिनट, ये ले जाइए। अरे आजा। क्या बात है? कुछ नहीं। क्यों रहा था? अरे तू तो नहीं पकड़ेगा क्या? अरे तू क्यों भाग रहा है? अरे रुक जा, मैं आ रहा हूँ। मैं रुक जा। हेलो, कौन है? अरे बाप रे, यहाँ क्या कर रहे हो? ये घर आपका है क्या? मुझे नहीं पता, मैं गलती से आ गया। प्लीज किसी को बुलाइएगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। क्या? नहीं दीदी, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं और कुछ लड़कियाँ हैं बस। नहीं नहीं, मैं उसे ढूंढ ही रहा हूँ। ठीक है, अब देखना ये बात करेगा। तो मैं चलूँ क्या? निकल। अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। मत चलाओ, मुझे जो कुछ पता है सब मैं बता दूंगा आपको। अरे जेम्स बाहर आओ। अरे बाप रे, सर तो कटप्पा की तरह दिख रहा है। अरे मरा नहीं है तू, चल निकल यहाँ से। हे भगवान, किस्मत अच्छी है, बच गया। अगर सच्चाई बता देता तो ये लोग दीदी को जरूर उठा लेते। हाँ सर, मैं कितना खुश हूँ। बस मैं पहुँच रहा हूँ सर। वालों को भी बेवकूफ बना दिया। मुझे जो टावर का लोकेशन मिल रहा है वहीं पे पहुँच रहा हूँ। हाँ, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है सर। सुनो सुरेश सर, मुझे खबर मिली है कि वो सुबह से यहीं कहीं पे है। किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और खबर मिलते ही मुझे अपडेट करो। दीदी, क्या हुआ? यहाँ चारों ओर पुलिस है। पुलिस वाले भी उसे ढूंढने लगे हुए हैं। अच्छा, दीदी मैं बच गया। ठीक है, समझ गया। ठीक है। अरे अरे, जल्दी अंदर बैठो गाड़ी में। क्या कर रही है? अरे पुलिस वहाँ पहुँच गई है। उसको पुलिस ने पकड़ लिया, बहुत अच्छा हुआ। आपस में मजाक उड़ाना बंद करो, गाड़ी में बैठो। अरे देता हूँ छोड़ना। अरे दे रहा हूँ, मार मत यार, छोड़ना आराम से। मेरा पर्स दे। एक बात बता, मेरे पैसे कहाँ हैं?
पैसे दे मेरे, दे नहीं तो। देता हूँ ना, दो मिनट जरा बात तो सुनो। दरअसल क्या हुआ ना, जिस दुकान पे हम लोग जूस पी रहे थे ना, उसने 500 ले लिया। 500? अरे मेरे दादू का पैसा, जो मेहनत किया उसका पैसा, यहाँ तक कि एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पैसा देना तो दूर की बात है, ऊपर से मार कर चला गया। अरे डरो मत, वो मैंने रख लिया है। यही है ना वो चीज, यही है ना। अरे रुक जाओ भाई, रुको। वैसे डील क्या है, अफीम है या गांजा है? अरे रुको भाई, रुको ना। फालतू बकवास मत कर। देखो भाई तुम नाराज मत हो, एक जमाने में इस तरह के बहुत से डील किए मैंने। उनका धीरे धीरे जब विश्वास मुझ पर बढ़ गया ना, तो उस काम से मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया। चोरी का माल है क्या? अगर चोरी का माल है तो रिस्क है भाई, अगर गांजा है तो प्रॉब्लम नहीं। उस समय जब वो लोग मुझ पे विश्वास करते थे ना, तब तो मैंने जम के तस्करी की है, एकदम रिकॉर्ड तोड़। सारा माल ठिकाने लगा के एकदम फ्री भाई, मैं तो एकदम सेट हो गया था, कोई टेंशन नहीं। उन चार दिनों में क्या क्या सपने देख लिए थे मैंने, बहुत माल इकट्ठा कर लिया था, मर मर के 50 लाख इकट्ठा किए। तो मेरा देशवासियों, और फिर पता क्या हुआ, सारा पैसा डूब गया। घर में टीवी देख रहा था, वो देखते देखते ही बेहोश हो गया। और पता है जब मैं होश में आया और मेरी आंख खुली, तो हॉस्पिटल में भी सामने टीवी ही था। अभी तो मैं बहुत डिसेंट हूँ, लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या करूँ, इसलिए चोरी करने उतर जाता हूँ। वो हाथ में खुजली शुरू हो जाती है, और जैसे ही चोरी कर लेता हूँ ना, तो खुजली एकदम खत्म। को बाहर ले जाके फेंक दो। सलाम बाबा। अब फोन कर रहे हो मुझे, कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं बाबा, हम लोग अलग अलग टीम में स्प्लिट होकर उसे ढूंढ रहे हैं। शाम तक हम उसे जरूर पकड़ लेंगे, गारंटी के साथ। उसकी माँ के लिए डॉक्टर ने तो उसे 24 घंटे का टाइम दिया है, लेकिन वो हरामखोर मुझे 8 घंटे के अंदर चाहिए। जाओ आ जाओ। उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो उसे भगवान की नजर से देखा था, लेकिन उसे मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। मैंने सुना था कि हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, लेकिन मेरे साथ इतनी जल्दी बुरा होगा मैं नहीं जानता था। अरे तुझे पता है, उसने पुलिस को टिप देने के बाद ही मुझे यहां भेजा था। ये गद्दारों की दुनिया है मेरे भाई, एक बार इस धंधे में घुसे तो निकलना मुश्किल होता है। अरे यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया ना, तो मेरी मां जहर खा के मर जाएगी, मैं जानता हूं। जिसे ये देना है वो कौन है, मैं उसे जानता भी नहीं। अब तो मेरे पास लौटने का किराया भी नहीं है, ऐसे में तो वापस जा भी नहीं सकते। अरे फोन उठाकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों, फोन उठाऊंगा तो चलती गाड़ी में फोन पे बात करता हूँ बोल के केस बना देंगे मेरे ऊपर। नहीं उठाऊंगा मैं। सर, सर हम लोग कोल सिग्नल के पास हैं। उसी एरिया में सिग्नल मिल रहा है, वहाँ पे जरा। ओके सर। हाँ ठीक है सर, रिपोर्ट करना। हाँ ओके सर, जेम्स आ जाओ, वो इसी एरिया में है। सर पैसे, पेट्रोल फ्री में आता है क्या? शकल देख के लग गया था, आज पैसे नहीं मिलने वाले। इसका तो रिंग ही नहीं रुक रहा है, कौन है इतना बेचैन आत्मा? अरे वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है, वो तो दिखने में बहुत मासूम लगता है। वो बस दिखने में मासूम है, लेकिन उसकी नीयत में ना खोट है खोट। दोस्त को साथ देके आया था, इसलिए उस पर भरोसा कर लिया। देखते जाओ,
इस बार वो अपने हाथ से बच के निकल नहीं पाएगा। अब कि वो अपने को जानता नहीं है ना। अरे साजी भाई, लेकिन उस लड़के का कोई अता पता तो है नहीं। वो चाहे कहीं भी भाग जाए, हमसे बचेगा नहीं। वो लड़का बहुत जरूरी है। उसकी लाश की कीमत 2 करोड़ है, पता है? आजकल तो लाश की भी कीमत होने लगी। क्या जमाना आ गया। अबे हट, रुक, स्टॉप। अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हाय लोगों, जरा मेरी बात सुनो। सुनो, जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैंने उन दोनों से बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे अरेस्ट कर लो, लेकिन उन्होंने मुझे अरेस्ट ही नहीं किया। अब सुनो, मैं तुम्हें एक ज़बरदस्त आइडिया देता हूँ। अभी मैं तुम लोगों को मारने वाला हूँ, फिर तुम लोग वहाँ जाके बताओगे तो वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। तकलीफ तो नहीं है भाई? इसमें संभालना तेरी तो, तू मुझे मारेगा। दोबारा दिखा ना तेरी तो। खड़े होकर झगड़ा करना, आजा आजा। चल पोक कहीं के कायर है। कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हें उठाऊंगा ही उठाऊंगा। तुम लोगों ने मुझ पे हाथ उठाया और तूने मुझसे कुछ पूछा तक नहीं। अरे तुझे पालने से अच्छा होता कि मैंने एक कुत्ता पाल लिया होता। अब चल निकम्मी। अरे गर्दन लकड़ गई क्या तेरी? अरे सब ठीक होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। हा? अरे तू कहां भाग रहा है? पुलिस है क्या? अरे रुकना, ए भाई, अरे मुझे फिर अकेले छोड़ के भाग रहा है। अरे तुम यहाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारे फोन का क्या हुआ? कितने दिनों से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें। अरे मेरा फोन कब से बंद है? चार्ज करने की कितनी कोशिश की लेकिन होता ही नहीं। अच्छा, इस तरह भाग क्यों रहे थे? कौन, मैं? क्या बोल रही हो? मैं भाग रहा था। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे वो भाग रहा था इसलिए मैं भाग रहा था। कौन है वो? वो रहा। ये है। अरे तुम जानते हो क्या इसे? ए, यहाँ पर आओ। अरे डरो मत, यहाँ आ जाओ, बहन कुछ नहीं करेगी। ये बेचारा सुबह से भाग रहा है इसीलिए इसकी हालत खराब हो गई है। ये ना अपना फोन एक गाड़ी में भूल गया, उसी को ढूंढ रहा है। ए, कहाँ से आए हो तुम? एर्नाकुलम। तुम्हारा नाम क्या श्रवण? है श्रवण। यहाँ किसी से पैसे लेने आया था ये। मैंने सवाल तुमसे किया क्या? अरे ये सारे जवाब श्रवण मुझे पहले ही दे चुका है, अब एक ही सवाल इस बेचारे से क्यों पूछना। तुमने खाना खाया है? नहीं मेरी प्यारी बहन, पहले थोड़ी भूख लगी थी, अब तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे। तुमसे भी ज्यादा भूखे लोग रोड पर पड़े हुए हैं, उन्हें खिलाने के बाद तुम खा लेना। ओके, नारायण साहब के होटल में खाना होगा, अभी वहाँ मैनेजर भी होगा, तुम जल्दी से वहाँ चले जाओ। अच्छा, तो इसका काम कैसे होगा? वो मैं देख लूंगी। तो फिर मुझे तो जाना होगा ना? अरे हाँ, तुम जाओ ना पहले। अरे वो नारायण के रिश्तेदार है ना? हाँ। क्या नाम था? हाँ याद आया, उस रिश्तेदार का नाम ना मोमाली है। उसके ही ऑटो में ये अपना फोन भूल गया है। अच्छा ठीक है। तो ठीक है भाई, मैं खाना खा कर आता हूँ। अरे बिंदास रहो, जब वापस जाना तो फोन करना। अरे बहन तुम्हारा फोन ढूंढ देगी। अच्छा चलता हूँ। सुनिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मुझे यहाँ किसी से पैसे लेने के लिए भेजा गया है। उसका नंबर उस फोन में ही सेव था। उनका एड्रेस तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ नंबर ही दिया गया था। अच्छा, सुबह तुम भागे क्यों थे? मुझे लगा आप पुलिस से मुझे पकड़वा देंगी, इसीलिए मैं वहाँ से डर के भाग गया था। आ जाओ बैठो, फोन नहीं चाहिए? बैठो। हाँ, चाहिए, चाहिए। आपने जहाँ बताया था वहीं खड़ा हूँ। हाँ ठीक है। अरे तू मुझे संभाल लेगी इसलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर आया, लेकिन देखो मुझे तो तुझे ही संभालना पड़ रहा। वैसे अब यहीं पड़े रहना है क्या, जाना नहीं है क्या? ये लोग कहाँ आ गए? जी भाई। साजी भाई क्या हुआ? छोटी सी जानकारी मिली है भाई, अली के गुंडों के साथ उसकी मारपीट हुई है और वहाँ से बचकर निकल गया हो, लेकिन वो लोग भी उसका पीछा कर रहे हैं, उसे जल्दी पकड़ लेंगे भाई। हमारे लड़के लोग निकल गए हैं भाई, शाम तक पकड़ा जाएगा वो। अब वो नहीं बचेगा। पुलिस वाले को बताना चाहिए।
सुधाकर भाई, मैं मालिक यहाँ आया था क्या? नहीं बेटा, अभी तक मैंने देखा नहीं। क्या हुआ? वो बस कुछ जरूरी काम था। फोन करके देखा क्या? हाँ देखा, पर फोन नहीं लग रहा। तो फिर वो घर पे ही होगा। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है। सर, हम लोग रेलवे स्टेशन के पास ही एक लोकेशन पर हैं सर। लोकेशन आने दो, मैं बताता हूँ। ठीक है सर। ओके सर। सर इधर ही आ रहे हैं। सर, सर। देखो बाबा पहुंच चुके हैं, उसको पकड़ के देंगे तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। वैसे थोड़ी बहुत चोट लगी तो चलेगा, लेकिन वो जिंदा चाहिए। ओके सर, ओके सर। आगे से राइट ले लेना। ठीक है, हाँ, ओके। अगर अभी वो हमें मिल गया तो डील से भी ज्यादा पैसा बाबा देंगे। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि वो लड़का अभी भी शहर में ही है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। दीदी, अगर उसको पकड़ने से हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, तो उन पैसों की हम फिल्म बनाएंगे। क्यों? उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। ऐसी डील करने वाले छिपके नहीं रह सकते, उन्हें बाहर आना ही पड़ता है, और उस भरोसे का नाम है बाबा। अरे हम नहीं तो कोई और उसे ढूंढ निकालेगा। चलो गाड़ी निकालो। समझदार है। धक्का लगाएगा। उसके साथ धक्का लगाओ। चलो जाओ। स्टेयरिंग पकड़ के बैठा है। काम चोर के। गाड़ी को धक्का लगाते हैं। आजा। उन्हें नहीं आना है क्या? चल उधर। लगाओ धक्का। अरे ताकत लगाओ। तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी स्टार्ट हो गई। बाप रे। चल बैठ बैठ बैठ। अपना काम अब बनेगा। सुना है बाबा आ गए हैं, इसको कैसे भी ढूंढ निकालेंगे। ये लो चाय पी लो। यही घर है। हाँ। बेटा, पिताजी घर पे हैं? माँ, दीदी पिताजी के बारे में पूछ रही हैं। आप लोग कौन हैं? माँ मालिक नहीं है क्या? वो तो अभी अभी बाहर गए हैं। क्यों, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, ये है श्रवण। आज सुबह इनका मोबाइल फोन आपके ऑटो में छूट गया था, उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारा फोन है? हाँ। ओ, मैंने बेवजह अपने पति पे शक किया। वो अभी अभी घर से बाहर गए हैं। रास्ते में ही आपको मिल जाएंगे। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है। हे भगवान, कोई उन्होंने फोन बेच तो नहीं दिया। नडकाव पुलिस स्टेशन। हमारे पुलिस स्टेशन की इज्जत रखने वाले और शान बढ़ाने वाले श्री मुवाली जी हैं। इनकी जितनी तारीफ करूं कम है। इनसे हम लोगों को सत्य पर कैसे चलना सीखना चाहिए। ठीक कहा ना? ये हमारे लिए मिसाल है, इनका स्वागत होना चाहिए। लड्डू खिलाओ। सुनो भाई, एक सेल्फी ले क्या? हेलो मोटो। यार पुलिस वालों को भी पड़ गई। सही कह रहा है यार। जो मैं मांगते थे 1000 देना पड़ा। हाँ यार। बाहर निकालो मुझे, नहीं तो मैं क्या करूंगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। बाहर निकालो। हाँ, कितनी अच्छी पुलिस है। पुलिस हो तो ऐसी हो। मैं अपनी जान दे दूंगा। बाहर निकालो मुझे, मैं ऐसे ही छोड़ता रहूंगा। तुम लोग क्या समझते हो? सर ये जब से आया है ऐसे ही शोर मचा रहा है। बाहर निकालो उसे। हाथ पर लगाना मुझे। बहुत बुरा होगा।
ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग। मजाक समझ कर रखा है, जो मन में आया वो करेगा तू। हाथ पकड़ो इसके, बताते हैं इसको। छोड़ दो मुझे, मैं कहीं जान छोड़ दो। तेरे को दवा से लाओ दो। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। रुक, आज दिखाता हूँ तुझे। खिलवाड़ समझ के रखा है पुलिस को। चल अब बोल, क्या बोल रहा था? आदमी को पता ना चले इसलिए हेलमेट पहना कर मारते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। काम क्या है? राशन ऑफिस समझ कर गलती से यहाँ आ गया था। हेलो मोटो, आपने बुलाया? हेलो मिस्टर शंख, I am drunk. Immediately come and pick up me. Okay? This is the 14th Rudra pump. Okay? Okay, okay. सर, अगर हम ट्रैफिक सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो हो सकता है हमें कुछ पता चल जाए। ये क्या बोल रहे हो जेम्स? ये कोई ऑफिशियल ऑपरेशन तो है नहीं। अगर लोकल पुलिस से हेल्प लेनी पड़ जाए तो हम लोग क्या घास छिल रहे हैं? अगर वो हरामखोर हमारे हाथ लग गया ना, तो उसकी चमड़ी उधेड़ के उसको बाबा के हवाले करना। अरे मैं नशे में कहीं गिर न जाऊं, इसलिए मैंने बांध लिया। संभाल के लेके जाओ। अरे प्यार से, अरे गिरने मत देना। अरे क्या झूले, अरे सावत के हम हिले डुले। अरे इस खटारे को बेचकर एक अच्छी गाड़ी खरीद लो। इस गाड़ी को कितने लोग मांग रहे हैं, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिया। अच्छा किया जो किसी को नहीं दिया। इसके लिए यही गाड़ी सही है। अरे बिल्कुल घबराओ मत, गाड़ी एकदम ओके है, समझ गए? लेकिन जब जब स्टार्ट करना होता है तो धक्का मारना पड़ता है, वो भी पीछे से। इस गाड़ी की खासियत है, इसे धीरे से धक्का मारो। ज्यादा तारीफ मत करो, धक्का मारने के लिए हम लोग है ना। इस खटारा को गाय भैंस की तरह इसको बांध कर ले जा रहे हैं। चलो हम लोगों से तो अच्छा ही है, दोनों की टंकी एकदम फुल है भाई। हम लोगों की तरह भूखे थोड़ी मर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको सूसू लग गया तो क्या करेगा, कैसे करेगा भाई? अजीब आदमी है यार। अरे दीदी देखो वही है। कौन? अरे वही जिसको हम ढूंढ रहे हैं। सच में? गाड़ी निकालो, उसका पीछा करो। चल चल चल, धक्का लगा। जल्दी वो निकल गया। चल चल जल्दी, अंदर जल्दी बैठो। अरे यार पीछे बैठो, अरे मैं गियर नहीं लगा पाऊंगा। जल्दी करो, गाड़ी चलाओ, वो निकल जाएंगे। अरे आज स्टार्ट हो गई तो मुड़ नहीं रही है। अरे थोड़ा के पीछे हो ना, पेट में गैस बनती है। कौन सी स्पीड चला रहा है भाई, इससे तो धक्का मार के निकाल देते हम। चला भाई, वो निकल जाएगी तो जाके क्या फायदा होगा। अरे क्या मुसीबत है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी चल 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 चल। अरे मेरे हाथ में क्या गियर आ गया क्या? ए पीछा करो उसका, ओ जल्दी 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 जल्दी। अरे अब क्या हुआ? कहा था डीजल खत्म होने वाला है, डीजल खत्म होने वाला है, अब खत्म हो गया। ओ भगवान क्या मुसीबत है, मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मुझे ये लोग मिले। भाई हाँ बोलो, क्या बात है? यहाँ पास में कोई चाय की दुकान है क्या? क्या करूँ मैं? अगर होटल हो तो और भी अच्छा है, सब लोग कुछ खा लेते हैं। क्या दीदी? अपना मुंह बंद कर, कुकड़ कहीं का। अजीब लोग हैं। बड़े मुश्किल से फोन से छुटकारा पाया। देखो वो है क्या? हाँ वही है, वही है। तो जाओ। भैया मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आज सुबह आपकी गाड़ी में बैठा था ना, गलती से मेरा फोन आपकी गाड़ी में छूट गया था। अरे बेटा वो तुम्हारा फोन था क्या? कमाल का फोन था वो, सुबह से घंटी रुकने का नाम ही नहीं, अब जाके चैन आया है मुझे। तो फिर वो फोन दीजिए ना। हाँ अरे वो तो अभी अभी देकर आया मैं। देखे आ गए? किसे देखे आ गए? स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? नहीं पुलिस स्टेशन में नहीं,
और वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी थी उसी में डाल दी। हम जैसे इज्जतदार लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते ना, किसी की भी इज्जत उतार देते हैं वो लोग। आपने बहुत गलत किया, मुझे वो फोन चाहिए बस। अब वापस नहीं ला सकते। अरे क्या भाई, ये लड़का सुबह से उस फोन के पीछे भाग रहा है, कुछ भी करके फोन दिलवाइए ना। अब वापस लेना है तो पुलिस थाने जाना पड़ेगा। तो फिर जाइए ना भाई, इसे भी साथ लेकर जाइए और कुछ भी करके इसका फोन दिला दीजिए। बेटा वो क्या है ना, वो हेलमेट वगैरह। जाइए ना भाई, आपको डर लग रहा है क्या? इस बात का डर, और वो भी मुझे? डरना तो हमारे खानदान ने नहीं सीखा बेटा, हम लोगों को डरा देते हैं। पुलिस वालों से क्या डर, खाकी वो भी पहनते हैं, खाकी मैं भी पहनता हूँ, वो भी पब्लिक सर्वेंट, मैं भी पब्लिक सर्वेंट। आ जाओ बेटा देखते हैं। चलो जाओ, वापस जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। बेटा हेलमेट है क्या तुम्हारे पास? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलते। गाड़ी तो जा रही है बेटा। क्या हुआ? तुम्हारा वो फोन मैंने उसी गाड़ी में रखा था। तो उनके पीछे चलिए ना। अरे सोच क्या रहे हैं, चलिए ना। वैसे तो पुलिस लोगों के पीछे होती है, लेकिन हम पुलिस के पीछे आए हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है। वो देखो वहां खड़ी हो गई। अरे सुनिए ना, आप जल्दी से जाके फोन लेके आइए ना। बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर के आता हूँ। पहना कर मारते हैं, हे भगवान बचा लेना। भैया जल्दी आइएगा। दीदी ये वही है ना जिसे हम ढूंढ रहे हैं? कहाँ? अरे शीशे में। कौन दिख रहा है? अरे वही लड़का जिसे हम ढूंढ रहे हैं। मुझे हट जा। देखो दीदी कहाँ? मुझे ये वही है ना? वही है। अरे उसे यहाँ से देखना बंद करो, जाओ पकड़ के ले आओ, जाओ। अबे गाना जाओ, पकड़ उसे, जाओ भाई, आज वो बचे ना भाई। नहीं बचे ना। अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रहा हूँ? उठाओ उसे। क्या कर रहा हूँ? क्या हुआ? तो हम साइड उसके भाग रहा था। क्या हुआ बता तो सही। तुझे क्या लगा हमारी दीदी तुझे पकड़ नहीं पाएगी? हाँ हमारी दीदी बहुत खतरनाक है, समझा क्या? ले चल इसे। अरे 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 रुकिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मैं सुबह से आप लोगों को ढूंढ रहा था, अभी तक खाना भी नहीं खाया। खाना नहीं खाया? छोड़ दे, मेरा फोन घूम गया है। क्या बोला तुमने? सुबह से तुमने खाना नहीं खाया,
जब्बार बेचारा भूखा है यार। अब भी भूखे है भाई। बता। पिछली बार से दुबले हो गए तुमने भी हमारी तरह खाना नहीं खाया क्या? नहीं। बता ना। जब मैडम ने फोन किया था तो मैं बस स्टॉप पे गया था लेकिन आप लोग वहाँ नहीं थे। मेरा फोन खो जाने की वजह से आप लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया मैं और उस फोन को ढूंढने के चक्कर में अभी तक भाग रहा हूँ मैं। मेरा भरोसा कीजिए, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। धोखे के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। पैसा कहाँ है? पैसा ये है, ये दीदी को बता दो। देखो हम लोग गुंडे ना, दीदी तो गुस्सा जरा जल्दी आता है और हम लोग थोड़े से गरम मिजाज वाले हैं। दीदी हा? उसने भी मेरी तरह खाना नहीं खाया बेचारा, क्या करूं? टेंशन मत लो दीदी, पैसा लेकर आया है। वो बोल रहा था कि उसका फोन गुम हो गया इसलिए लेट हो गया। अच्छा सुन, जाकर पैसे का बैग लेकर आ, बाबा को मैं समझा लूंगी। जल्दी से डील पक्की करनी है, जा। लेकिन खाने का क्या कह रहे दीदी? अच्छे लोग ना तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। लाओ भाई बैग दे दो। बैग नहीं दूंगा, पहले मुझे सबूत चाहिए। सबूत? कैसा सबूत? मेरे पास 2 रुपए का आधा पटा नोट है, आधा आपके पास है। आप वो देंगे तभी मैं बैग दूंगा। अच्छा तुम 2 रुपए दोगे तो ये 2 रुपए देगा, फिर टोटल तो 6 रुपए हो गए ना। जब्बार टोटल 6 रुपए हुए। हाँ जा बोल दो। दीदी वो कुछ नोट के बारे में बोल रहे हैं। मतलब? वो 2 रुपए का नोट। हाँ मेरे पास है, देती हूँ देती हूँ। ले ले जाकर दे दे। लेकिन ये तो फटा हुआ है। जाता है कि नहीं? जा। मैं दे देता हूँ, मुझे क्या करना है। भगवान कैसे कैसे लोग मेरे टीम में। 2 रुपए का नोट, लेकिन क्या करोगे इसका? ठीक है ना? ठीक है, बैग दे दो। लाओ भाई ये लीजिए। पैसे वाला बैग। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे। क्या हुआ? पूरा है ना? हाँ पूरा है। ए, ऐसे कैसे लेके जाएंगे? पहले पूरा गिन तो ले। अरे ठीक है ना, पूरा है। क्यों? अरे वजन से पता चल रहा है यार। पहले गिन तो ले। अरे जरूरत नहीं है, शक है यार। कार में गिन लेंगे। ठीक है, पहले अच्छी तरह से गिनेंगे फिर जाएंगे। कार में बैठ के गिन लेंगे। लेना तो ले तो मत। ऐसी बात है तो गिन लेता हूँ भाई। ठीक है। पुलिस पुलिस है, भागो। मैं निकलूं क्या? हाँ ठीक है मैडम। गिरा दिया। अरे बाप रे, सारा इल्जाम बंगाली के ऊपर डाल देंगे। अब क्या करें, रंगे हाथों पकड़ लिया। जाते जाते बच्ची, थोड़ी देर और रुके तो कुटाई पक्की है। हमारे पास हेलमेट भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से चलते हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ रुको 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 रुको। हाँ
कितना हुआ क्या हुआ नहीं पूछूंगा, ये लो रख लो। इतने में क्या होगा? रख लो, अब खुश हो ना? ओके। अरे ये सब कहाँ गए? मुझे तो लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी धोखा ही मिलेगा। सभी लोग बिना किराया दिए भाग गए। हाँ बस बस नहीं छोड़ना, बस बस बस। वो जो भाग रहे थे वो लोग कौन थे? भगवान ने बचा लिया, आज दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। चलो क्या मैं? ठीक है, ये आप रख लीजिए। बेटा छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। एक नया फोन खरीद लेना। ठीक है, चलता हूँ मैं। चलो। साजी भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। उठाओ इसे। मैं ये लड़का तो बहुत होशियार है साजी भाई, इससे तो अलग तरीके से निपटना होगा। के अंदर डाल दो। प्लीज बाबा, हमारे परिवार में हमारे अलावा कोई नहीं है बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबा, ऐसा नहीं होगा दोबारा बाबा, बाबा प्लीज बाबा हमें छोड़ दीजिए बाबा, बाबा प्लीज प्लीज बाबा प्लीज। दोस्ती के नाम पर खूब धोखा दिया तुम दोनों ने, क्या सोचा था तुमने? बाबा से धोखे का मतलब वो अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहता है। मुझे पता है आप मुझे मार देंगे, लेकिन मेरी गलती तो मुझे एक बार बता दीजिए। ज्यादा होशियारी दिखा रहा है, अभी भी अपनी गलती पूछ रहा है जैसे कुछ पता नहीं। बाबा, बाबा छोड़ दीजिए बाबा, प्लीज बाबा। तूने अपनी नियत 2 करोड़ के लिए ही बदल दी, तुझे पता है वो डील पूरे 200 करोड़ की थी, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तेरी तो बाबा। हेलो, कौन है? एसआई। हेलो हेलो। हाँ बाबा, डील हुई पर कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पर हल्का ने डील की है और जिन्होंने उठाया वो लोकल पुलिस, वो हमारी टीम के हाथ नहीं लगा है, वो अलग मैदान है, हमारे हाथ में नहीं है। वो सब अली के आदमी लोग हैं। और खबर मिली है कि 2 करोड़ के जाली नोट पकड़े गए हैं। क्या 2 करोड़ के जाली? ना कुछ नोट मिक्स भी है। मिक्स? ये क्या बोल रहा है? जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। देखो इसमें ओरिजिनल नोट भी है और जाली नोट भी। अच्छा टोटल कितना हुआ? आधी नोट असली और आधी नोट नकली। 1 करोड़ ओरिजिनल। तो फिर हमें 1 करोड़ के जाली नोट चाहिए। बस 1 करोड़ जितना चाहिए मिल जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं? हमें 1 करोड़ के जाली नोट मिले हैं, खेल अब शुरू होगा। 1 करोड़ असली, 1 करोड़ नकली। असली
ओके बैग ला। इस बैग में 50 लाख तुम्हारे हैं और इसमें ये 50 लाख पार्टी के हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे 20 करोड़ के जाली नोट फिक्स हुए हैं। ये करने वाले वही लोग हैं, ऐसे खबर मिली हमें। ये लोकल पुलिस का नंबर है, किसी स्क्वाड के हाथ मत लगना। वो बाहर की टीम होती है, उनके हाथ लग गए तो जिंदगी खत्म, फिर वापस नहीं आने को मिलेगा, पूरी की पूरी जिंदगी चौपट। अगर लोकल पुलिस के हाथ लगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और हम पर किसी को शक भी नहीं होगा, फिर अपना काम सेट है। उसको छोड़ दीजिए बाबा, अब उसके पीछे मत पड़िए। किसी भी तरह से हमें इस मामले से बाहर निकलना है। ठीक है बाबा, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाप रे, तो मैं थक गई। हेलो बाबा, पुलिस आ गई है और हमारे लोगों को पकड़ लिया है। हमारी पूरी डील कैंसिल हो गई बाबा, और पैसे वाला बैग भी उनके हाथ में है। मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ओके बाबा। इसकी तो साजी, हम जिसे धोखेबाज समझ रहे थे वो यह नहीं, कोई और है। अलका के हाथ से डील निकल गई है, इन्हें मार के कोई फायदा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, फिलहाल हमें अली से हिसाब चुकाना है। कोई मेरे हाथों से आज पहली बार बचा है, निकल जा। बाबा, आपने जो काम लिया था मैंने वो पूरा कर दिया। भरोसा निभाने पे मौत मिलती है, मैं ये नहीं जानता था। आपने मुझे जो भी काम दिया मैंने उसे पूरे भरोसे के साथ किया। साजी, इनके काम की कीमत जो देनी थी इन्हें दे दो। अच्छा हुआ एन वक्त पर उनको कॉल आ गया, वरना हम तो कब के भगवान को प्यारे हो जाते। हे भगवान, उनको जितना जल्दी हो सके सजा दे दो, बहुत तड़पाया हमें। तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है यार? चोट लगने की वजह से तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। तुम्हें पता है मेरे पिछवाड़े में कितना दर्द हो रहा है? अरे यार, बात क्या है बताओ तो, बताओ ना, कब से पूछ रहा हूँ। चल, क्या बताता हूँ? क्या बताना है? अरे आना, मैं जाल में फंसा हुआ शिकार हूँ ये सुन के तू हिल गया था ना। अगर मैं उस दिन पुलिस के हाथ लग जाता तो शायद आज मेरी माँ जिंदा नहीं होती। सही टाइम पे मुझे एक फरिश्ता मिल गया। ऐसे गद्दार के साथ गद्दारी करना बुरी बात नहीं। देखो, मेरा कहना तो यह है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमें ढूंढते हुए आएंगे। जरा उनको भी दिमाग लगाने दो। मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुमने कहावत सुनी होगी ना, जैसी करनी वैसी भरनी। बुराई को मिटाने के लिए अगर हम बुरा रास्ता अख्तियार करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। इसके अंदर बिना पैसे के 2 जीन्स भी रखेंगे। कौन से कुरियर ऑफिस में जाके इसे कुरियर करें? जहां से चाहो वहां से कर दो। मैं अर्नाकुलम से CA की पढ़ाई करके ये काम कर रही हूँ। तुम्हें इंजीनियरिंग करने के बाद ये कपड़े का काम करने की क्या जरूरत है? हाँ, ऐसी बात नहीं है, ये थोड़े सैंपल्स परचेज कर रहा हूँ मैं। अच्छे से पैक हो गया। बाकी की प्रॉब्लम वो फोन था, उसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था। अगर डील हो जाएगी तो मुझे तुरंत पुलिस को फोन करना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं ना, भगवान बचा लेगा, भगवान बचा लेगा। भगवान ने बचा लिया, डील भी हो गई और पुलिस से भी बच गया मैं। तुमने
मैं जैसा सोचा था अगर उस हिसाब से काम नहीं हुआ होता तो हमारी क्या हालत होती? इस बारे में तुमने सोचा था क्या? एक बात बता, हमारे जैसे आम लोगों के सपने क्या होते हैं? क्या? पैसे कमाना। सही कहा। जिंदगी एक जंग है, हमें मरना है ये जान के भी हम जंग लड़ते हैं, तभी तो एक योद्धा कहलाते हैं। मैं पुलिस से बचकर यहाँ तक चलाया, ये सब मैंने कैसे किया वो मैं नहीं जानता, सिर्फ भगवान जानता है। ये कहानी भी चोर पुलिस की ही थी, लेकिन आम कहानी से थोड़ी सी अलग, और आज हम सेफ है। थिंक पॉजिटिव बॉडी, बस यही सोच रखना। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं? बैक टू होम, क्या बैक टू रियल लाइफ।